भारत और दुनिया का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। कुछ तारीखें इन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। चलिए जानते हैं 13 मई की प्रमुख घटनाएं। 13 मई 1638 विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण शाहजहां की देखरेख में शुरू हुआ। 13 मई 1861 के महान धूमकेतु की खोज विंडसर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के जॉन टेबबट ने की है। 13 मई 1905 फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवे राष्ट्रपति थे जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 13 मई 1913 इगोर सिकोर्स्की ने पहला 4 इंजन वाला विमान लेग्रैंड बनाया और उड़ाया। 13 मई 1918 भारत के सबसे प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकियों में से एक बाला सरस्वती का जन्म इसी दिन हुआ था। 13 मई 1933 भारतीय सन्यासी और समाज सुधारक स्वामी भूमानंद तीर्थ का जन्म इसी दिन हुआ था। 13 मई 1950 सिल्वरस्टोन सर्किट में पहली फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हुई। दौड़ ग्यूसेप फारिना ने जीती थी जो उस वर्ष उद्घाटन चैंपियन बने। 13 मई 1952 भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा ने अपनी पहली बैठक की। 13 मई 1956 श्री श्री रविशंकर भारतीय आध्यात्मिक नेता इस दिन पैदा हुए। 13 मई 1958 बेन कार्लिन 10 साल की यात्रा के दौरान समुद्र के रास्ते 17,000 किलोमीटर और जमीन के रास्ते 62,000 किलोमीटर की यात्रा एक संशोधित कार में दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले और एकमात्र व्यक्ति बने। 13 मई 1967 डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। वे भारतीय संघ के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। 13 मई 1969 कुआलालंपुर मलेशिया में सांप्रदायिक हिंसा भड़की 200 के करीब मरे। 13 मई 1971 बांग्लादेश में डेमरा नरसंहार में 900 से अधिक निहत्थे बंगाली हिंदुओं की हत्या कर दी गई। 13 मई 1972 बेलफास्ट में एक भीड़ भरे पब के बाहर एक कार बम विस्फोट में प्रोविजनल इरा उल्स्टर वॉलंटियर फोर्स और ब्रिटिश सेना में 2 दिवसीय बंदूक की लड़ाई छिड़ गई। 7 लोग मारे गए हैं और 66 से अधिक घायल हो गए हैं। 13 मई 1979 पुणे भारत के ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी निखिल कानेतकर का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 13 मई 1985 पुलिस ने फिलाडेल्फिया में मूव मुख्यालय पर बमबारी की जिसमें 6 वयस्क और 5 बच्चे मारे गए और शहर के 250 निवासियों के घर नष्ट हो गए। 13 मई 1987 जरीन खान भारतीय अभिनेत्री और मॉडल जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म उद्योग में काम करती है का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 13 मई 1989 छात्रों के बड़े समूहों ने तियानमेन चौक पर कब्जा कर लिया और भूख हड़ताल शुरू की। 13 मई 1995 33 वर्षीय ब्रिटिश मां एलिसन हरग्रेव्स बिना ऑक्सीजन या शेरपाओं की मदद के एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला बनी। 13 मई 1996 बांग्लादेश में तेज आंधी और तूफान से 600 लोगों की मौत। 13 मई 1998 भारत ने 11 मई को किए गए 3 परीक्षणों के बाद पोखरण में 2 परमाणु हथियार परीक्षण किए। 13 मई 2000 भारत की लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी। 13 मई 2001 मालगुडी में अपने काम के लिए जाने जाने वाले भारतीय लेखक आर के नारायण का आज ही के दिन निधन हुआ था। 13 मई 2011 पाकिस्तान के चारसिड्डा जिले में 2 बम विस्फोट में 98 लोग मारे गए और 140 अन्य घायल हो गए। 13 मई 2013 अमेरिकी चिकित्सक केर्मिट गोस्नेल को पेंसिल्वेनिया में गर्भपात के प्रयास के दौरान जीवित पैदा हुए 3 शिशुओं की हत्या और अन्य आरोपों का दोषी पाया गया। 13 मई 2014 दक्षिण पश्चिम तुर्की में एक भूमिगत कोयला खदान में विस्फोट में 301 खनिक मारे गए। 13 मई को विश्व कॉकटेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।